सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और हम बचपन से बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉगिंग स्टार्टिंग भी हो गई है, सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप आ गई है। थोड़ा थोड़ा आसमान में बादल भी हैं और आपको यहाँ से यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, इतना प्यारा व्यू दिखाई देता है। यहाँ से एक मिनट दिखाती हूँ आपको, ये देखो गाइस, यहाँ से पूरा सारी सारी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं और इतना खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। यहाँ से मैं फ़र्स्ट टाइम आई यहाँ पर और यहाँ से ना इतना प्यारा व्यू दिखाई देता है, सुबह सुबह उठ के ना दिल खुश हो जाता है। मतलब एकदम से आसमान इतना ज़्यादा खुला खुला दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से दिखा देती हूँ घर, ये देखो यहाँ पर है पल्लू। अभी हम नहा धो के हो गए हैं रेडी घर जाने के लिए और यहाँ देखो ये है केले, घर के केले, देसी केले। अभी आपको नहीं दिखाएंगे। और ये देखो यहाँ से आप जैसे यहाँ निकलोगे ना बाहर तो आपको ऐसा व्यू दिखाई देगा सुबह सुबह। और यहाँ पर देखो हमारी प्यारी भैंस को देखो कैसे सज धज के होगी है तैयार। तो चलिए अभी जा रहे हैं हम सुबह का नाश्ता करने के लिए, तो चलते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है? तब तक बाय बाय। गाइस यहाँ जा रहे हैं मेरे पति देव जी, लेकिन ये अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, दिख गई वही शक्ल। तो गाइस अभी चलते हैं हम खाना खाने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो फटाफट से भी खाना खा लेते हैं। और यहाँ से मैं अपनी शक्ल देख लेती हूँ थोड़ी सी। तो चलिए चलते हैं खाना खाने के लिए, सानवी अभी सो रही है, तब तक हम खाना वगैरह खा लेंगे। दोस्तों अभी हम खाना वगैरह खा के आ गए हैं और ये देखो हमारा राही मोटी, राही साहब मोटी, ये कहाँ से मोटी लग रही हो? हैं पेट से। अच्छा पेट से, थोड़ी कमजोर रही हो। ये है आम का पेड़ और यहाँ पर है ब्लॉग बुआ जी की रसोई और यहाँ पर है आलू का, अनार के पेड़, एक दो तीन काफ़ी सारे अनार के पेड़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे लगाया है लहसुन वगैरह। तो चलिए अभी घर जाने की तैयारी कर लेते हैं, अपना सामान वगैरह पैक कर लेते हैं। ये देखो गाइस हम चल पड़े घर। और ये है अखरोट का पेड़, हाँ। और यहाँ पर देखो छोटी सी माई भी है, इसको बोलते हैं बावड़ी और हम बोलते हैं अपने मंडियाली में बाई। ये छोटी सी है और यहाँ पर पशुओं को पिलाने के लिए है। और यहाँ पर देखो घास रखने के लिए किस तरह से बनाए, हम बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं बंशु, भुजनू, भुजनू बोलते हैं इनको। और देखो किस तरह से बनाए बहुत ही सुंदर तरीके से, इस तरह से इनको घास को बाहर भी रख सकते हैं, सड़ता नहीं है। फिर अभी मैं बुआ के पशुओं को दिखाती हूँ क्या क्या पाला बुआ ने। ये है भैंस जो कि बहुत ही गुस्सा कर रही है, और ये छोटा सा कट्टू है, ये छेलू है, इधर गाय भी है। और यहाँ पर देखो छोटे से केले भी लगे, छोटे छोटे, ये पकने वाले हैं। और यहाँ पर पता नहीं क्या किस अखरोट का पेड़ लगा है शायद छोटा सा। गाइस अभी चलते हैं हम घर की तरफ। और सानवी को बांध लिया मैंने पीठ में और सानवी आराम से सुंदर सुंदर नज़ारों के मज़े ले रही है, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही है। और अभी चलते हैं, शाम को अंधेरा हो गया था और हम यहाँ से आ रहे थे नीचे से और हमें यहाँ पर दो मोर दिखाई दिए थे गाइस, बहुत ही सुंदर। तो अंधेरा होने की वजह से मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो वीडियो देख लूँगी, अगर पिछली वाली वीडियो में हो गए तो आपको उस वाली वीडियो में दिखा दूँगी। दो मोर थे गाइस इतने बड़े बड़े और बहुत ही ज़्यादा सुंदर।
यहाँ पर दोस्तों हम आ गए थे नीचे, और यहाँ पर मैं बता रही थी चाची को कि मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, और ये सारे जो है भैंस और गाय वगैरह ये चाची ने पाले थे इतने सारे पशु। तो मैं चाची को बोल रही थी कि मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, फिर आप बाद में देखना। तो हम ऐसे बातें कर रहे थे यहाँ पर थोड़ी देर। तो दोस्तों ये है गलू का बस स्टैंड। तो यहाँ तक आए हम गाड़ी में, और इससे आगे जाएंगे बस में। तो यहाँ पर हो रहा है बस का वेट, और यहाँ पर है गलू में जालपा माता का मंदिर भी है। चलिए बस का वेट करते हैं। तो गाइस आज मैं आ गई हूँ अपने मायके। खुशी देख सकते हैं आप मेरी, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे आज। और आपको मैं यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है यहाँ से, ये देखो। और शानवी के पापा गए हैं मेरी ननद के घर में आलू लगाने के लिए। ओ वहाँ पर, वहाँ जैसे उनका पीछे गांव, वहाँ पर है मेरी एक ननद, उनके घर में गए हैं वो। और हम हैं यहाँ पर, और आपको एक मॉडल सिम ला दें, ये देखो नीचे। दोस्तों अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, और मैं आ गई हूँ अपने मायके। तो आज यहीं पर रुकेंगे हम शायद। तो अभी आ गई हूँ ऊपर किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, और अम्मा वगैरह नीचे बैठे हैं, पापा जी वगैरह तो वो नीचे बैठे हैं। तो उनके लिए चाय बनाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर, और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मेरी आंटी हैं उनके जो पापा जी हैं वो थोड़े बीमार हैं, तो उनको यहाँ पर रखा है। तो वो लोग भी हैं, और उनसे मिलने के लिए भी आए हैं थोड़े से लोग, तो वो भी बैठे हैं नीचे। तो काफ़ी सारे लोग हैं, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर चाय बनाने के लिए। और अभी 5 बजे हैं, और आजकल दिन बढ़ गए हैं, तो काफ़ी अभी तक यहाँ पर धूप है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।